अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, होप्स यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप वाकई मज़ा आया होगा। पिछली मेरी वीडियो देखी इंट्रोडक्शन की, उसमें थोड़ा सा नेट लैग कर रहा था, तो इस दफ़ा शायद ना करेगा क्योंकि मोस्टली हमारा वर्क जितना भी है वो सारा यहीं पे रन हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो आज हम एक न्यू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं बाई यूजिंग React.js। अच्छा, आपके माइंड में थोड़ा सा ना, मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाते हुए सोच रहा था, पर मैंने सोचा नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स तो तब बताता हूँ। वो बात ये कि आप ये सोच रहे होगा कि हम रिएक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्ट लैंग्वेज फ्रंट एंड लैंग्वेज है। आप किसी भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाओगे या वर्क करोगे तो ही तो उसकी डेटाबेस बनाओगे, उसका बैकएंड बनाओगे कि वो कैसे जाए, किस बटन के पीछे क्या आईपी कॉल हो, क्या फ्रेमवर्क लगे। ठीक है, तो हम React.js स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ वो सारी लैंग्वेजेस भी आपको आ जाएंगी जो कि मन है, सॉरी, जो कि एक्सपेक्ट्स है, जो कि नोड है, तो ये सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी क्रिएट न्यू ऐप करने जा रहे हैं। तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो आपके सामने ओपन कर लिया, बिल्कुल स्टार्ट जो कि आपके सामने आएगा। आपने जस्ट पता है क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको एक और इस कोर्स के स्टार्ट में एक थोड़ी सी बात बता दूँ, वो ये कि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, किसी के पास ना टाइम होता है। और ये मुझे पता है आप कितनी मुश्किल से अपना दिन का काफ़ी काम निकाल के ये 10-15 मिनट की एक वीडियो देखने के लिए आते हो, और उसमें भी अगर मैं जस्ट ये बातें ही करता रहूँगा या जस्ट ऐसा करता रहूँगा कि आपको इंस्टॉलेशन पे आधा घंटे आपका ज़ाया कर दूँ ताकि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज कोर्स के स्टार्ट में ही आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट पहले ही मोस्टली वर्क करके रखूँगा ताकि आपको यहाँ पर साथ बताता जाऊँ, साथ उसकी आउटपुट भी दिखाता जाऊँ, ताकि जो दरमियान वाला टाइम वेस्ट होता है वो मेरी वीडियो में शो ना हो। ठीक है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड मैंने आपको ओपन करके दिखाया कि आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक ऐसे आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली थी, आपके लिए लास्ट टाइम वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देखिएगा क्योंकि उसके बगैर तो आपका कोड चले गए। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये फर्स्ट वीडियो नहीं, फर्स्ट वीडियो पिछली है, बट वो इंट्रो, ये है मेरी फर्स्ट वीडियो कोड की। ओके, नेक्स्ट गूगल पे हम जाते हैं। गूगल पे हम अपने लिए क्या सबसे पहले आज लिखेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप ये मैं आपको क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी हेल्प हमें चाहिए होगी, हम रिएक्ट ऐप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है हम सारी की सारी यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, इस पर इसके फर्स्ट पे ही हम क्लिक करेंगे react.js.org के ऊपर। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हम वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो आज हम अपना बनाने जा रहे हैं एप्लीकेशन डायरेक्टली, कोई सिंटैक्स वगैरह सीखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको आता है, आप ये समझ के बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपको वर्क करना है स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ओपन हो रहा है। अच्छा, ये हमारे सामने क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप की ये स्टेरिंग सारा कुछ बला 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 ओपन हो गया। पढ़ना हुआ तो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं तो जस्ट अपने किसी मेन कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा। मेन कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करना है, फिर हमारे पास इस ऐप का कोड आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड को छोड़ो, आप सब कुछ छोड़ो। मेन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी आपको ये हेलो वर्ल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आखिर चलती कैसे है, आपने बनाने कैसे है। ठीक है, ये सबसे पहले हमें नोड चाहिए होगी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, एक नोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे दिया सेम कॉपी पेस्ट, जस्ट और कुछ नहीं करेंगे। वहाँ से आएंगे, उस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल C और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इन्होंने माई ऐप लिखा है, मैंने फर्स्ट ऐप लिख दिया। तो ये आप देख रहे होंगे NPX की रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताता चलूँ, NPX और NPM। हम यहाँ पे NPM भी यूज़ करते हैं, NPX भी यूज़ करते हैं। NPX पता क्या है? NPX ये है कि समझ लो, मान लो कि आपके पास एक वो जगह नहीं है, आपने कोई जगह लिया किसी से किराए पर उधार। NPX यही काम करता है कि जो हम अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे या एप्लीकेशन बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम उधार यानी कि किसी और की जगह लेंगे, यानी कि उनकी डेटाबेस, उनकी स्टोरेज आया होगी, हमारे लैपटॉप की स्टोरेज आया नहीं होगी। मगर जो NPM है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास फालतू का स्टोरेज है, जिन्होंने करनी है। तो आप NPM भी यूज़ कर सकते हैं, NPX भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मैंने NPX के लिए रिएक्ट ऐप फर्स्ट ऐप ये लिखा। उसके बाद ये मैं आपको यहाँ पे टेंशन मत लें, वे आप इतना सब कुछ देख रहे होंगे, ये सब कुछ किया हुआ है। जैसे ही आप ये लोग लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑलमोस्ट ये आपके 3 to 5 मिनट्स लेगा। इसीलिए मैंने ज़रा स्किप कर दिया कि यार आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी ये सब कुछ पहले ही करके रख लूँ। देन आपको बता दूँ कि आप जस्ट ये करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपके पास ये सब कुछ ये प्रोसेसिंग हो जाएगी एंटर प्रेस करने के बाद। मैं पहले बता रहा हूँ ये टाइम लेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, अगेन घबराना नहीं है, ये सारा कुछ होगा, ये ऐसे ही होता जाएगा होता जाएगा। नेक्स्ट एट दी एंड हमारे पास हमने क्या करना है, हमने इस कोड को जब रन करना है, हम पहले आप एक चीज़ देखें, ये npm start, आप कई लोग ऐसे करते हैं कि ये सब कुछ करके npx, वो जो मैंने आपको npx के लिए रिएक्ट ऐप आगे अपने ऐप का नेम लगता है एंटरप्रेस करके लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं npm start के ऊपर क्लिक कर देता है। तो ये जिसमें मुझे एरर्स हुए हैं, ये मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि आपने गलती नहीं करनी। आपने उससे पहले क्या करना है, आपने उससे पहले cd my app, चेंज डायरेक्टरी माई ऐप, यानी कि अभी ये कोड जो टर्मिनल में हम कमांड रन कर रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पे स्टार्ट में पड़ा हुआ है। ये स्टार्ट का चीज़ है। अच्छा, ये आप टेंशन ले रहे हो कि रिएक्ट मन स्टार्ट ये क्या चीज़ है, ये मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है, ये जिस फोल्डर के अंदर मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट सारा कुछ आ जाएगा। आपने जस्ट टर्मिनल ओपन करके ये सब कुछ करना है। टर्मिनल भी ओपन कैसे करना है, आपने जो फाइल ओपन करनी है यहाँ पे बनाने के लिए, वो फाइल्स में जाके ओपन फाइल पे क्लिक करके आपने वो वाला फोल्डर ओपन करना है जो कि ये बनाया हुआ है एक मैंने रफ, ठीक है। जैसे ही आप ये फर्स्ट ऐप का फोल्डर बनाएंगे तो ये एक फोल्डर बन जाएगा और अपने आप इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा जो कि ये नोड मॉड्यूल्स आपके सामने शो हो रहे हैं और डिफरेंट ये मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं। ये मैं सब आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आप जस्ट ये देखें कि जैसे ही आप एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको एरर देगा। एरर को छोड़ें, एरर इस एरर को क्या करना है आपने, अभी मैंने आपको बताया वो क्या करना है, आपने क्या कर देना है सिंपली जाके क्या लिख देना है cd, और cd के बाद आपने लिखना है, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक करके वो सारा कुछ उड़ा दिया ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। मैं आपको ये थोड़ा सा रन ही करके बता दूँ। देखिए जैसे कि आप cd पे क्लिक करेंगे, cd आपने लिखना है, आपकी ऐप का नाम क्या है, फर्स्ट ऐप है, ये इस फोल्डर में स्टार्ट के अंदर फर्स्ट ऐप नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सॉरी फर्स्ट ऐप के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ऐप, ठीक है। यार मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट npx वो लिखना है, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है और ये सारे फोल्डर अपने आप आएंगे, एक लफ्ज़ भी आपने खुद नहीं लिखना, ठीक है। और क्या करना है cd, ये स्टार्ट पे है, अभी स्टार्ट के फोल्डर में हमने इसको कौन से फोल्डर में लेना है, फर्स्ट ऐप के फोल्डर में, जस्ट क्लिक, मैंने क्लिक किया ये उस फोल्डर में चला गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो कि उसमें बताया भी हुआ है, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, चाहे आपने npx यूज़ किया चाहे आपने कुछ भी यूज़ किया तो आप ये कर देंगे। npm स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट एंटर मैंने प्रेस किया तो देखिएगा आपकी ऐप आपके सामने चल पड़ेगी। बिल्कुल जस्ट एक सेकेंड, ये रन हो रहा है, ये काफ़ी टाइम ले जाता है फर्स्ट टाइम पे, जिससे मैंने आपको वो वाला प्रोसेस नहीं करके दिखाया, वो जस्ट आपको एक हेडिंग था दी और आपको जस्ट आके आपने एंटर प्रेस करना है। तो वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, आपके लिए इशू हो। तो अच्छा, आपने ना ये टेंशन लेनी। एक हमारे पास इसमें सिर्फ दो मेन फाइल होती हैं, एक SRC की होती है, एक पब्लिक की फाइल होती है, और इसके अलावा कोई फाइल को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ये नोड मॉड्यूल्स नहीं देखने की ज़रूरत। ये जब हमने एपीएस वगैरह बनाने की तब हम देख लेंगे, हमें ना ये गिट इग्नोर देखने की ज़रूरत है, हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज लॉग जैसे गिट इग्नोर मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए जब हम गिटहब के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच करते हैं तो इसलिए है। तो इस तरह पैकेज लॉग जेसन ये, और ये जेसन फाइल्स को डील करने के लिए, और ये रीडमी फाइल्स, डिफरेंट जो रीडमी फाइल्स होती हैं उनको यानी कि स्टेबल करने के लिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के वाले किसी सीरियस हैं तो आप अपनी एक रीडमी फाइल को साथ साथ मेंटेन करेंगे। रीडमी फाइल्स का मोस्टली ये होता है कि कौन से लोकल होस्ट पे चल रही है, कौन से यानी कि क्या स्टार्ट है, इसका क्या वर्क है, ये किसके साथ रन होगी, ये क्यों वहाँ पर क्लिक कर रही है, यानी कि ये सारा कुछ बताएगा। इसमें एक इंस्ट्रक्शन, समझ लो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है रीडमी, ठीक है। तो हम अपनी देख रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो कि नीचे टर्मिनल में एप्लीकेशन रन हो रही है, इट्स टेकिंग सम टाइम, ये देखें। ये साथ ही नीचे देखा होगा आपने एक्टिविटी एक्सटेंशन यहाँ पे आ रहा था, वो वही एक्सटेंशन चल रही है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो आप लास्ट में देखें, इंट्रो वाली, जिसका मैंने इंस्टॉलेशन भी बताई है। तो ये सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है, तो भाई मज़े, ठीक है ना, मज़े हमारे, मज़े कैसे, ये देखें। ये अभी यहाँ पे अभी हमारे पास ये आ जाएगा, ये जस्ट वेट अ मोमेंट, ये अभी आ रहा है। तो ये भी हमारी एप्लीकेशन खुद ब खुद यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। ये चीज़, ये हमारी खुद की अभी की एप्लीकेशन छोटी सी जो कि हमने फर्स्ट ऐप खुद डाउनलोड किया है, खुद बनाई है, वो किया है। अच्छा, मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ जब तक ये लोड ले रहा है, ये फर्स्ट टाइम मिलेगा, आपने टेंशन लेनी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यार आप सोच रहे हो कि यार इस बंदे ने पहले एक आती कमांड बता दी एनपीएक्स की, खुद कुछ बताया नहीं। यार मसला पता है क्या है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, यानी कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा या सॉफ्टवेयर हाउस में इतना टाइम होगा कि आप सारा कुछ ये देखें। ये आपके पास ये आ चुकी है, तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि बारी बारी आप ये नोड मॉड्यूल्स का फ्रेमवर्क बनाओ, फिर पब्लिक का फोल्डर बनाओ, फिर एसआरसी का बनाओ, फिर एसआरसी के अंदर अलहदा से एक लोगो दो अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। जिस तरह के आप ये एक लोगो देख रहे हैं, इधर गया फेविकॉन, मैं आपको फेविकॉन भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये फेविकॉन आप ऊपर देख रहे हैं, फिर उस तरह का ये लोगो दो, फिर आप ये हेडिंग दो। इतना किसी के पास टाइम देता है, हर किसी को डायरेक्टली एक फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ पे वो एक नेविगेशन बाहर बना सके, यहाँ पे कंपोनेंट बना सके, यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल बना सके, डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स बना सके, तो ये उसे डायरेक्टली ये काम चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने डायरेक्टली आपको आते ही कमांड बताई है, सिंपल यार कुछ भी नहीं करना, वो कमांड लिखनी है, एंटर प्रेस करना, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद तो मैंने आपको खुद करके बता दिया, ठीक है, मैंने कुछ स्किप नहीं किया, तो टेंशन मत लेना। अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये वर्किंग कैसे होता है, और अभी हम एंड पे थोड़ा सा अपना नेम भी चेंज करके ले करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी भी वेबसाइट पे, अगर मन की वेबसाइट है तो आप अपना नेम चेंज करना चाहें, जैसे कि लर्न रिएक्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा लर्न रिएक्ट विद प्रोग्रामिंग हंटर या विद आमिश, तो मैं ये आपको भी लिख के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा पब्लिक और SRC के बारे में पता लग जाइए, बाकी मैंने आपको बता दी हैं फाइल्स की क्या होती हैं, इनका मेन कोई काम नहीं, हमारे पास मेन जस्ट ये SRC और पब्लिक होते हैं और इनके अंदर वाली फाइल्स। अच्छा, इन पब्लिक के अंदर और SRC के अंदर भी मेन हमारे पास जस्ट 3 फाइल्स हैं, एक index.html, app.css, index.css। अच्छा, अब app.css क्या है, मैं पहले आपको SRC बता रहा हूँ, और index.css पहले आपको बता देता हूँ। index.css पता क्या है, ये सेम जिस तरह हम index.js, ये जिस तरह हम index.html बनाते हैं कि फर्स्ट पेज होता है हमारा, क्योंकि बता रहा होता है कि इस ऐप की रूट क्या है, ये एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो रूट है, इस टाइम ये जो रूट है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है app.js को, ठीक है, और app.js को ये कर रहा है रेंडर, और क्या कर रहा है कि इसको रेंडर कर दो, जब इसको ओपन करो तो इसको कहाँ पे रेंडर कर दो, app.js पे। अब हम जाते हैं app.js पे, इसमें जस्ट इतना ही था और कुछ भी नहीं, इसमें जस्ट वैल्यू बाकी इंपोर्ट करवाई है, और ये ग्रीन तो आपको पता है ये सप्लीमेंट्स होते हैं। app.js पे जैसे ही जा रहा है, या app.js पे ये बताना चाह रहा है कि भाई ये लिंक दिया हुआ है बैकेंड पे, ये नाम दिया गया है, और ये डिफरेंट हायरार्की में आपको बता रहा है कि कैसे काम हो रहा है। ये देखें, ये वही बात जो मैंने आपको अभी कहा था ना कि हम लर्न रिएक्ट की जगह अपना नाम करेंगे, ये वही ए टैग लगा हुआ है किसका, हाइपरलिंक्स वगैरह को शो करवाने के लिए, एंकर का टैग जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है, ये पैराग्राफ यूजर है, ये सारी HTML है यार, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, जस्ट आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के बारे में हाउ नाउ नहीं भी है तो हम इस कोर्स में करेंगे। आज दरअसल डायरेक्टली मैंने आपको एक ऐप बना के दिखा दिया है, आपने खुद एक अपनी ऐप बना ली है, जहाँ पे आप अभी अपना नेम लिखेंगे थोड़ी देर बाद, और दोस्तों में शेयर करेंगे, यार देखो मेरे मन में एप्लीकेशन बनाई है, और मैं आपको एक बड़ा मजे का डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि यार देखो क्या होने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको index.html का भी थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे नाम चेंज करने से पहले, या index.html में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये सारे कमेंट्स हैं, या आपने चेंज करने हैं कर लो, आपकी मर्जी, नहीं करने मत करो, ये मैं इसे अभी रेज भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, इसको सॉरी यहाँ से करना था, इसको रेज भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं देंगे, हमारी ऐप ऐसे की वैसे चलेगी, बट रेज खुदा का वास्ता सही करिएगा, ये इस तरह का ना कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और भी नीचे कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करता है यार, ये जस्ट पता है क्या है, इसके अंदर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ये इसके अंदर जस्ट इसको बता रहा है कि आपने किस तरह शो करवानी है, उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर थोड़ी सी स्क्रिप्ट शो करवा रहा है कि बॉडी के अंदर आपने क्या शो करवाना है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको ऐप ही ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखें जस्ट ये टाइटल शो करवा रहा है कि रिएक्ट ऐप का टाइटल लिखा हुआ है, फिर जस्ट ये बता देगा कि उसका आपने व्यू बोर्ड कैसे रखना है, लाइक डेट के अगर वो छोटी हो तो कैसी हो, यानी कि ये अगर इस तरह की आपकी ऐप हो तो कैसी रन हो, तो जस्ट ये बता रहा है, ठीक है ना, ये देखें ये चेंज हो रहा है, ये जस्ट इतना बता रहा है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हाँ अगर आपने अपना यहाँ पे कोई टाइटल चेंज करना तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं, वरना आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी, आपको इशू देगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। ये बाकी आइकन्स वगैरह index.png इससे कोई लेना देना नहीं, आप इसको डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं। अब हम मेन जाते हैं app.js में, क्या करेंगे अब यहाँ पे अभी हम लिखने चाह रहे हैं लर्न रिएक्ट विद प्रोग्रामिंग हंटर, यार आप लोग भी अपना नाम लिखो, और अगर ये आप सबका हो जाए तो प्लीज़ यार एक अच्छा सा कमेंट करना, बिकॉज यार पता है क्या, आपके इस कमेंट की वजह से ना मैं और वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि मोटिवेट होगा, क्योंकि यार देखो मैं भी एक बिगनर हूँ, आई एम नॉट अ सो प्रोफेशनल, आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल भी इस वक्त मेरी वीडियो देखेंगे, तो यार प्लीज़ एक डिसलाइक नहीं एक लाइक बनता है, बिकॉज मैं भी आपको सिखाते सिखाते कुछ सीख रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे तो काफ़ी मुझे नॉलेज मिलेगा, तो जस्ट आपने क्या करना है, Ctrl+S करना है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ, ये मैं गया क्रोम पे, और अभी देखिएगा बगैर लोड लिए ये वेबसाइट, यहाँ पे मैं आपको रिलोड भी नहीं करूँगा, और वैसे भी ये मेन डिफरेंस है इनका रिएक्ट ऐप का, कि मन की जो ऐप है वो लोड नहीं लेती। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा, आपने अभी देखा होगा कि कैसे वर्क हो रहा है, यानी कि आप कैसे अपनी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप अपना ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट में जाके अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं और वर्क वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं एक दफ़ा Ctrl+S कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा था तो ये कर रहा था, बिल्कुल ये देखें ये आपके सामने चेंज हुआ ना, ये इसी तरह ही ये चेंज होगा बगैर लोड लिए, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है और यही एक प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज़ करता है, यही इसका फ़ायदा है कि यार ये देखो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अगर वो लोड लेने लगे कितना टाइम वेस्ट होगा, नेट स्लो होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। अब मेरा इस वक्त नेट बहुत स्लो है, बिकॉज आज ये यहाँ पे जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज यहाँ पे यानी कि मौसम वगैरह ख़राब है तो इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, बट ये आपने देख लिया होगा कि मैंने हंटर चेंज किया, उसने बगैर ही लोड लिया पूरी चेंज करी। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं, इसमें हम डिफरेंट काम के ऊपर उसके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।